इसराइल की वायुसेना ने आतंकी संगठन हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमले किए और हमास के एक आतंकवादी को मार गिराया है। निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर को आज शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया है। पीएम मोदी ने आज नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन आम यात्रियों के लिए सिर्फ ट्रेन की सेवाएं 21 अक्टूबर से शुरू होंगी। टाइगर श्रॉफ के गणपत की शुरुआती बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रिपोर्ट आ गई है, जो बेहद निराशाजनक है। अली टेंडर रिपोर्ट के मुताबिक गणपत ने अपने पहले ही दिन 4 करोड़ की कमाई की है। आमिर खान बहुत जल्द चेन्नई शिफ्ट होने वाले हैं, इसका कारण उनकी मां जीनत हुसैन है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर आमिर खान चेन्नई शिफ्ट हो जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा नेता आजम खान को मिली 7 साल की सजा को अन्याय बताया है। उनका कहना है कि सारी दुनिया जानती है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। यूपी में बीजेपी के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की ऑफिशियल वेबसाइट हैक हो गई है। हैकरों ने उनके वेबसाइट को हैक करते हुए इस पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। 41 राजनयिकों के भारत छोड़ने पर कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने कहा कि भारत के फैसले के कारण 41 राजनयिकों और उनके आश्रितों की अनैतिक रूप से प्रतिरक्षा हटाना गलत है, इससे उनके राजनयिकों को खतरा होता। अड़े पुलिस ने गैंगस्टर रवि पुजारी के एक करीबी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। तांबड़ जबरन वसूली के एक केस में वांटेड था और देश से फरार चल रहा था। सीवर सफाई के दौरान मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी सफाई कर्मी की सीवर साफ करते हुए मौत हो गई तो सरकारी अधिकारी उसके परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के रिश्ते अपने पति के साथ अचानक बिगड़ गए हैं और उन्होंने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए SBI की ओर से कई सारे लोन ऑफर पेश किए जा रहे हैं। इनमें प्रोसेसिंग फीस में छूट के साथ सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है। मुंबई की MHB पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसे स्पाइडरमैन चोर नाम से जाना जाता था। स्पाइडरमैन जब चोरी करने के बाद किचन की खिड़की से नीचे जाने के लिए कूदा, तब उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसके 2 दांत भी टूट गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल हुए भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व कप 2023 का हिस्सा नहीं होंगे। IPL के 17वें सीजन के लिए 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लथिन मलिंगा अब गेंदबाजी कोच की भूमिका में दिखाई देंगे।